सूफी कादर नामे आपको सलाम पहुंचे। मैं तमाम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो तमाम दुनिया के मसीह हैं उनसे हाथ बांध के इंतजार करता हूँ कि खुदारा ये वक्त जो है बेदारी का है, कौमें बेदार हो रही हैं। और 16 अगस्त को आपको पता है पिछले साल जड़ावाला में 28 के 28 के साथ क्या हुआ और हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ, वो नंगे सर जो है छुपती छुपाती जो है खेतों में छुपती रही, बिल्कुल हमारे लिए शामे गरीबा बना दिया गया और बाइबलों को सैकड़ों के हिसाब से बाइबलों को जला दिया गया और यहाँ तक ही नहीं बल्कि हमारे मुर्दों को मुर्दों की तोहीन की गई, कब्रिस्तानों को क्यों क्यों सलीबे छोड़ दी गई, कब्रों को खोल दिया गया। तो आप मुझे बताएं इन हालात में हुकूमत की तरफ से दिया गया 11 अगस्त हमें मनाना चाहिए, ये 11 अगस्त हुकूमत ने दिया है कि ये हम अकलियत दे आप मनाए, तो ये हुकूमत का ये क्यों मनाया अकलियत दे, हम इस पर एहतियात करते रहे क्यों, हम अकलियत दे नहीं मनाते, दुनिया को हम मैसेज नहीं देना चाहते कि ये इसने हमें अकलियत दे दिया है, अकलियत दे में क्या ये हमें नौकरियां दे देंगे ऐलान करेंगे, या अकलियत दे के अंदर मसीहों के लिए छुट्टी का ऐलान कर देंगे, या कहेंगे जी आज अकलियत दे के ऊपर हम मसीहों के जो तालीमी अदारे जो दिए गए थे वो वापस कर रहे हैं, तो खाली हमने एहतजाज ही करना है, तो एहतजाज करना है तो फिर हमें 16 अगस्त को करना चाहिए जहाँ बहुत बड़ा सानिया हुआ, जहाँ हमारे साथ जुल्म हुआ, मसीही गैरत का तकाजा है, बाइबल की हुरमत का तकाजा है, चर्चों की इज्जत का तकाजा है कि आप 16 अगस्त को भरपूर एहतजाज करें। तमाम दुनिया के क्रिश्चियन काला लिबास पहन के अपने घरों से निकले, काम पे जाएं काला लिबास पहने, अगर काला लिबास नहीं पहनते काली पट्टियाँ लगाएं, काली पट्टियाँ नहीं लगाते कि आप घरों के अंदर काले झंडे लगाएं, जब दुनिया आपसे पूछे तो आप कहेंगे हमारे साथ 16 अगस्त को इस तरह का हमारे साथ जुल्म हुआ जो पूरी दुनिया में नहीं होता। सबसे बड़ा जुल्म ये कि उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया और उनको बताया गया कि आपने जो 28 चर्च जलाए, सैकड़ों बाइबलें जलाईं, जो क्रिश्चियन बहन बेटियों को आपने बेआबरू किया, उनको आपने बिल्कुल बेआसरा कर दिया, उनके घरों को आपने लूट लिया, हम आपको शाबाश देते हैं इसलिए आप सब रिहा हैं, अदालत ने उनको रिहा कर दिया। तो आप इस वक्त 16 अगस्त को बजाए कि हम खामोशी से मनाएं, हम इसे भरपूर एहतजाज के तौर पर मनाना चाहिए और बिल्कुल 14 अगस्त को हमने कुछ नहीं करना, 14 अगस्त को आप सिर्फ अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें और जिस चर्च के अंदर मिली नगमों का प्रोग्राम हो या कोई 14 अगस्त का प्रोग्राम कोई पादरी करे तो मैं कहता हूँ कि कलीसिया का फर्ज है कि उस पादरी के खिलाफ खड़े हो जाए, जब पादरी खुदा के घर की गैरत नहीं खात कर रख रहा तो फिर आपको पादरी का भी लिहाज करने की जरूरत नहीं है, वो पादरी नहीं है, वो गवर्नमेंट का एजेंट है, वो मुखबर है आपका, अगर उसको खुदा के घर की गैरत होती तो वो मैं नहीं समझता कि 14 अगस्त को जो है वो चर्चों के स्तर पर माल करते, ऐसे पादरियों के खिलाफ खड़े हो जाएं और 11 अगस्त को मैं आपको आखिर कहता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ अकलियत दे मत मनाएं, मत मनाएं, ये आपके लिए गवर्नमेंट जो है आपको गुमराह करने के लिए दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम अकलियत दे जा रहे, ये हमारे लिए नहीं। 16 अगस्त को भरपूर एहतजाज करें और हो सके तो बैनर्स लेके कोई चीट लेके चौकों पे खड़े हो जाएं, जिस तरीके से भी एहतियात करें इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं और जड़ा वालों के साथ खड़े हो जाएं। दुनिया के मसीहों से अपील करता हूं कि 11 अगस्त को मिनोरिटी डे का बायकॉट करें, बिल्कुल बायकॉट करें, हम 16 अगस्त मनाएंगे जहां हमारे ऊपर बर्बियत हुई, हमारे ऊपर जुल्म हुआ, जहां हमारे मजहब के ऊपर हमला हुआ, जहां हमारी बाइबलों चर्चित मुर्दों को कब्रिस्तानों को हमारी बहनों को बेहरमत किया गया, जिस पे हम एहतजाज करेंगे और इस पे तमाम पाकिस्तान तमाम दुनिया के मसीह खड़े हो जाएं और 16 अगस्त को भरपूर एहतजाज करें।